हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल मास्टर्स में। दोस्तों आज हम सैमसंग नोट 9 का फ्रंट ग्लास चेंज करने वाले हैं, जो कि हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ऊपर का ग्लास है वो चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टच अच्छे से चेक कर लेंगे। तो टच हमने चेक कर लिए, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हम उसका ऊपर का ग्लास चेंज करने वाले हैं। दोस्तों हमने टच चेक कर लिया, उसके बाद में हम इसका फ़ोन को ऑफ करके सबसे पहले हम इसका बैक पैनल खोलेंगे। बैक पैनल 2 मिनट के लिए सेपरेटर मशीन पर रखेंगे, हीट करेंगे और उसके बाद में हम इसका बैक पैनल ओपन करेंगे। ये हमारा बैक पैनल ओपन कर लिया हमने और मोबाइल के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि बोर्ड, बैटरी, सब पीसीबी, कैमरे, सब कुछ बाहर निकालेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले मोबाइल को ओपन कर लेते हैं और कंप्लीट पार्ट्स हम इसके बाहर निकालेंगे। दोस्तों एज ग्लास चेंज करने के लिए सारे पार्ट्स हमें बाहर निकालने पड़ेंगे। कंप्लीट पार्ट्स हम अब बाहर निकाल लेंगे, कैमरे, बैटरी, बोर्ड, सब कुछ बाहर निकाल देंगे इसका। दोस्तों कंप्लीट पार्ट्स हमने बाहर निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे जाली आती है, यहाँ से जाली के दोनों साइड से हम कट करेंगे, यहाँ से ग्लास की कटिंग करेंगे और जो कॉर्नर है वहाँ से हम ग्लास ब्रेक करेंगे। दोस्तों हमारा ग्लास भी ब्रेक कर लिया हमने और सेपरेटर मशीन पे इसको फिक्स कर देते हैं डिस्प्ले को, और उसके बाद में हम इसका जो ग्लास के टुकड़े हमने कटिंग करी थी उसको हम रिमूव कर लेते हैं और इसकी जाली को बाहर निकाल लेते हैं। और जहाँ से हमने ग्लास का कॉर्नर कट किया था वहाँ से भी हमने कांच का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। ये जो कि हार्ड पन्नी से हम दोनों साइड से जगह बना लेंगे कि जो हम वायर चलाएंगे तो बार बार हमारे वायर अटके नहीं, और एक साइड से हम वायर डाल देंगे और बिल्कुल आराम से ग्लास को रिमूव करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल आराम से हम वायर चलाएंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड से भी वायर को डालेंगे। दोस्तों इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कार्व डिस्प्ले है और पेपर डिस्प्ले महंगी होती है, तो इसको हम 0.2 mm वायर से उतारेंगे। बिल्कुल आराम से उतारना है। सबसे पहले हम वायर का जो कर्वनेस होती है उसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम बीच में से वायर से कटिंग करेंगे। जहाँ भी हमारा वायर बार बार अटकता है तो उसको हार्ड पन्नी की सहायता से या फिर चिमटी से हम इसको ग्लास को बिल्कुल रिमूव कर देंगे और इस तरीके से वायर को हम आराम से चलाएंगे। दोस्तों यहाँ तक हमारा वायर नीचे तक आराम से चल गया है। नीचे थोड़ा सा लेंस आता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल आराम से रिमूव करना है। ये हमारा कम्प्लीटली ग्लास उतर गया है, ग्लू रिमूवर मशीन से साफ कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसको डिस्प्ले को आउट फ्रेम करने वाले हैं। ये हार्ड पन्नी की मदद से हम डिस्प्ले को आउट फ्रेम कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे से लेंस की तरफ से ध्यान रखना है कि टच नहीं हो जाए। ये देखो हमारा डिस्प्ले बाहर आ गई है, ये डिस्प्ले को आउट फ्रेम कर लिया। अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से क्लीन करना है वाइट स्पंज से। लेंस को भी साफ कर लेते हैं, कांच के टुकड़े वगैरह, गंदगी वगैरह लग जाती है। और हम एक बार डिस्प्ले को ऑन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है ना, उसके बाद में हम उसका ग्लास पंच कर देंगे। मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, ये देखो हमारी डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है, अभी कंप्लीट ऑन हो जाएगा तो इसकी टच भी चेक कर लेंगे। ये देखो टच भी ठीक है बिल्कुल। अब हम इसका
ग्लास पंच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्लास चेक कर लेंगे नोट 9 का, और उसके बाद में अलाइनमेंट करेंगे। पीछे से भी डिस्प्ले को क्लीन कर लेना है बिल्कुल। ये नोट 9 का ग्लास आ गया। अब इसकी जो OCA पन्नी लगी हुई है उसको हटा देंगे और दोनों साइड से अच्छे से देखकर इसका अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों साइड से डिस्प्ले बराबर होनी चाहिए, नहीं तो फ्रेम में फिक्स नहीं होती है। और उसके बाद में हम इसकी डिस्प्ले को पंच कर देते हैं। थोड़ी सी टेपिंग लगाएंगे इस पर ताकि जो मशीन में जाएगा और वैक्यूम बनता है तो डिस्प्ले बाहर उठ के इधर उधर टच नहीं हो जाए। तो मशीन में डाल दिया डिस्प्ले, अब हम इसको पंच करते हैं। ये हमारी डिस्प्ले पंच हो गई है, देखते हैं इसकी पंचिंग कैसी हुई है। देखो परफेक्ट पंचिंग हुई है। अब हम इसको बबल रिमूवर मशीन में डाल देते हैं ताकि इसके जो बबल्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी डिस्प्ले तैयार हो जाए। 5 मिनट के लिए हम इसको बबल रिमूवर मशीन में डाल देते हैं। ये देखो दोस्तों हमारी डिस्प्ले बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में तैयार हो गई है, कोई एयर बबल कुछ भी नहीं है। अभी हम इसको सेम उसी तरीके से एज इट इज तरीके से इसको पैक कर देंगे। तो डिस्प्ले को चिपकाने के लिए साइड साइड से चारों तरफ ग्लू लगा लेते हैं और डिस्प्ले को फ्रेम के अंदर फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद में सेट को कंप्लीट उसी तरीके से पैक कर देते हैं। हमारे कम्प्लीटली मोबाइल पैक हो गया। अब बैक पैनल को भी फिक्स कर देते हैं। ये देखो दोस्तों सैमसंग नोट 9 का फ्रंट ग्लास चेंज कर दिया है, कोई एयर बबल नहीं है, फिनिशिंग के साथ में हमारा ग्लास चेंज हुआ है। अभी फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाए, टच वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब